Hello friends, how are you all? Myself Mr. Shivam Dhiman and I am your SST teacher welcoming you all to the YouTube channel of RS Public School. So students, today's video is for class 7 and in this video I will explain you the chapter of geography, which is chapter number 18. Chapter is life in the tropical and subtropical regions. Students, in this chapter we will read about the Amazon basin and the Ganga Brahmaputra basin, means life on the plains. इस चैप्टर को हम ये भी कह सकते हैं, दूसरा टाइटल ये भी कह सकते हैं कि life on the plains. तो हम एक दूसरे ऐसे बेसिन के बारे में पढ़ेंगे जो कि सबसे बड़ा बेसिन है ड्यू टू लॉन्गेस्ट रिवर, रिवर एमेजॉन, एंड हमारे इंडिया का, हमारे कंट्री का ही लार्जेस्ट बेसिन गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के बारे में. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम अमेज़न बेसिन के बारे में जानते हैं. एज यू ऑल नो दैट रिवर अमेज़न इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर. तो आप सभी जानते हैं कि अमेज़न जो है वो वर्ल्ड की लार्जेस्ट रिवर्स में से एक है. अब अमेज़न बेसिन के बारे में अगर हम जान रहे हैं तो दिस बेसिन इज इन साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट एंड सराउंडेड बाय द एंड्स माउंटेन्स एंड द रिवर फ्लोज फ्रॉम राइजेस इन द एंड्स एंड flows through Brazil. Okay, this river is in the South American continent and it lies near to the equator and the equatorial region makes it much hotter. Okay, so river Amazon जो है वो मोस्ट ऑफ द रीजंस को बाउंड करती है, ड्रेन करती है, जिसके कारण जो बेसिन बनता है वो अमेज़न बेसिन है और एंड्स माउंटेन्स होते हुए ये ब्राजील के एरिया को कवर करती है. अब जो नॉर्थ साउथ अमेरिका आपका रीजन है, जो अमेज़न बेसिन है, ये इक्वेटर के पास से गुजरता है और इक्वेटर के पास गुजरने पर यहाँ पर बहुत ज्यादा तापमान होता है. Now we will talk about climate. The region lies near to equator, so the climate is hot and wet. Due to much evaporation, rainfall occurs 200 cm more than 200 cm and days and nights are equal to each other and humidity is also high because of the moisture content present in the atmosphere. Wildlife, अगर हम wildlife की बात करें तो यहाँ पर जो forest है वो बहुत ही thick forest है, covered dense forest के कारण जो sunlight है वो फ्लोर मतलब ग्राउंड फ्लोर तक नहीं पहुंच पाती, ह्यूमस कवर्ड रहती है और यहाँ पर जो एनिमल्स होंगे वो आपके हो गए स्लॉथ, मंकीज, टेपिस, एंटीटर्स, आर्मडिलोस, जैगुआर्स और बर्ड्स जैसे आपके हो गए टॉकेंस, पैरेट और आपका ऐसी बर्ड्स जो कि कलरफुल बर्ड्स में से आ जाती हैं. ठीक है, इसी में आपकी आगे आपकी जैसे टॉकेंस है, पैरेट्स है और हमिंग बर्ड्स भी यहाँ पाई जाएंगी. अब अमेज़न बेसिन में इंसेक्ट्स भी वाइड, क्योंकि हमारा जो फाइलम आर्थ्रोपोडा है यानी इंसेक्ट जो फाइलम है स्पीशीज का वो सबसे लार्जेस्ट स्पीशीज का फाइलम माना जाता है, जिसकी इसलिए इंसेक्ट्स हर प्रकार के इंसेक्ट्स यहाँ पाए जाएंगे, जैसे कि एंट्स है, आपका ड्रैगन फ्लाइज है, मॉस्क्यूटोज है, स्कॉर्पियन है, बटरफ्लाई है, सेंटीपेड्स, मिलीपेड्स जिन्हें हम कंथजूरा कहा जाता है, ये सब यहाँ पाए जाएंगे. नेचुरल वेजिटेशन,
as these region lies near to the equator and most rainfall occurs in these regions. So evergreen, tropical region है यहाँ पर, तो evergreen forest पाए जाएंगे. अब tropical evergreen forest जो rain forest है, यहाँ बारिश हर प्रतिदिन होगी, ठीक है, प्रतिदिन बारिश होगी और जो trees होंगे वो अपने leaves shed नहीं करेंगे. यहाँ कोई particularly dry season नहीं होगा और regular बारिश होने से evergreen रहेंगे. थिक कवर होगा ट्रीज का और प्लांट्स का, तो जो वेजिटेशन यहाँ पाई जाएगी वो बहुत ही यूनिक होगी, जिसकी जो ट्रीज और प्लांट्स होंगे वो बहुत ही घने होंगे और इन्हें हम सेल्वास के नाम से जानते हैं. और कौन कौन से पेड़ यहाँ पाए जाएंगे, महोगनी, रोजवुड, एबोनी, शिनशोना, जिनसे कुनैन नाम की एक दवा बनती है, रबर, जैसे प्लांट्स ग्रो करेंगे. अब ट्रांसपोर्ट और सिटीज के बारे में अगर हम जाने, तो due to dense forest and heavy vegetation there is impossible to lay roadways and railways, so waterways is best suitable mode of navigation for the people or the natives of this region. So through the Amazon river basin people travel through waterways to their destination. Baki aapka trans amazon highway hai jo ki ek lota रोडवेज है वहां का. मिनरल्स में अगर हम देखें तो सैरेडोस कैरेजेस रीजन जो है वो रिच इन मिनरल्स, मतलब मिनरल से भरपूर यहां पाया जाएगा और इसे ही ओल्डेस्ट रिजर्व आयरन ओर का माना जाता है. गोल्ड, कॉपर, निकेल, टिन, मैंगनीज जैसे मेटल्स या मिनरल्स का उत्पादन यहाँ होगा. अब ओल की रिफाइनरी, जो ओल प्रोडक्शन एरियाज है वो ऑयल, जो यहाँ पर रिफाइनरी या ऑयल प्रोड्यूसिंग जो रीजन है वो आपके हैं कोलंबिया और इक्वेडोर. तो ये रीजन क्या यील्ड करेंगे, ऑयल, जिससे कि ऑयल प्रोड्यूस होने से वहां के लोगों की इकोनॉमी अच्छी से डेवलप हो पाएगी. अब हम आ जाते हैं गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन. अब गंगा ब्रह्मपुत्र, एज यू नो दैट गंगा इज अ रिवर व्हिच फ्लोस फ्रॉम उत्तराखंड फ्रॉम द गंगोत्री ग्लेशियर एंड देन पासेस थ्रू मैनी सिटीज एंड देन फॉल्स टू द माउथ ऑफ गोमुख, ओके, एंड रीचेस द बे ऑफ बंगाल. और जिस जहां कोलकाता में पहुंचने पर गंगा दो धाराओं में बंट जाती है, एक हुगली जो आपके इंडिया के वेस्ट बंगाल में बहती है और दूसरी धारा जो है पद्मा नाम से बांग्लादेश में जानी जाती है. अब ऐसे ही ब्रह्मपुत्र जो रिवर है वो मानसरोवर लेक से इमर्ज होती हुई तिब्बत में सांगपो के नाम से जानी जाती है और ब्रह्मपुत्र फिर आपके अरुणाचल प्रदेश से एंटर करती है असम, असम से फिर आपकी कहां चली जाती है, बांग्लादेश रीजन में, जहां पद्मा रिवर और अन्य ट्रिब्यूटरीज इसको बढ़ाती हैं. और जो गंगा और ब्रह्मपुत्र ये रिवर से जब बे ऑफ बंगाल में गिरते थे उससे पहले ये इन न्यूमरस लैंड के पार्टिकल्स को एक ट्रायंगुलर डेल्टा फॉर्म करती हैं जिसे सुंदरबन डेल्टा यानी कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा माना जाता है. तो गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर जो है वो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट को कवर अप करती है, इसलिए जो गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन होगा वो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में ही फैला हुआ है. अब 2000 किलोमीटर ईस्ट टू वेस्ट इसका एक्सटेंशन है और नॉर्थ साउथ एक्सटेंशन इसका 200 टू 400 किलोमीटर है. अब क्लाइमेट की बात करें तो मानसून टाइप क्लाइमेट है यहाँ पर बिकॉज ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ वॉटर एंड कनेक्शन टू द नियरनेस टू द सी, जिस कारण रेनफॉल अकर्स होगी 200 सेंटीमीटर से, मोर देन 200 सेंटीमीटर रेनफॉल होगी. समर्स हॉट और ड्राई होंगे और विंटर्स भी ड्राई रहेंगे पर लेट्स मतलब हल्का कोल्ड रहेगा, ठीक है. अब बात करें वाइल्ड लाइफ की, तो ब्रह्मपुत्र रीजन में आपके हर्बीवोर्स और कार्निवोर्स की ह्यूज वैरायटी, जैसे कि एलिफेंट, लेपर्ड्स,
डियर, लंगूर और वन ऑन ड्रैगनसिलॉस जो वहां पर जो असम में बहुत फेमस है, मानस और काजीरंगा नेशनल पार्क में पाए देखे जा सकते हैं। गंगा में वार्ब्लर्स गंगेटिक प्लेन बेसिन में जो गंगेटिक प्लेन है या गंगेटिक बेसिन है वहां वार्ब्लर्स, मैना, हेरॉन्स और मार्श डियर्स पाए जाएंगे और कुछ जगहों पर घड़ियाल, क्रोकोडाइल्स और डॉल्फिन भी देखी जा सकती है। विंटर्स में हिमालय सीजन में माइग्रेटरी बर्ड्स भी आती रहती हैं। कहां? गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में। वेजिटेशन की बात करें तो अच्छी बारिश हो जाएगी तो यहां ट्रॉपिकल एवरग्रीन और मिक्स्ड एवरग्रीन डेसिडुअस फॉरेस्ट भी पाए जाएंगे। अब मैंग्रोव या टाइडल फॉरेस्ट भी यहां ऑब्जर्व किए जाते हैं। मैंग्रोव फॉरेस्ट आपका सुंदरबन डेल्टा के पास पाए जाएंगे और सुंदरी के ट्रीज होने के कारण इस डेल्टा सुंदरी के ट्रीज का फॉरेस्ट होने के कारण इस डेल्टा को सुंदरबन डेल्टा कहा गया है। मैंग्रोव फॉरेस्ट ऐसे फॉरेस्ट होते हैं जिनकी जड़ें जो होती हैं वो पानी की अधिकता या दलदली मिट्टी से बाहर रहती हैं फॉर ब्रीथिंग, फॉर गेटिंग एयर। तो ये क्या है? मैंग्रोव फॉरेस्ट। ठीक है, अब हम अगर बात करें तो ट्रांसपोर्टेशन की तो वेल डेवलप्ड रेलवेज और रोडवेज है। कहां पर? गैंगेटिक प्लेन में, कोलकाता और आपका दिल्ली में जो रिवर्स है गैंगेटिक प्लेन में मेट्रो के अच्छे खासे नेटवर्क्स हैं, मेट्रो ट्रेन चलती है, लोकल ट्रेन हैं और शताब्दी और अच्छा खासा रेलवे नेटवर्क है, हाईवेज है जैसे जीटी रोड डेवलप्ड है। अब गंगा की अन्य धाराएं जैसे कि यमुना, गंडक, घाघरा, कोसी, कोसी है, चंबल है, तो ये रिवर जो हैं और उनकी कंट्रीब्यूटरीज वो इस रीजन को फर्टाइल बनाती हैं। ठीक है, जिसके कारण जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो इनहेंस हो रहा है और वाटरवेज क्योंकि ब्रह्मपुत्र जहाँ रिवर से बह रही जो रिवर है बह रही जहाँ रीजन से वो पहाड़ी रीजन है, हिली एरियाज है, तो वाटरवेज ही सबसे बेस्ट सुटेबल नेविगेशन यानी यातायात का साधन है। अब मिनरल्स की बात करें तो पेट्रोलियम और नेचुरल गैस असम में डिगबोई में प्लांट्स है, इसके असम के डिगबोई में प्लांट्स है और बांग्लादेश के सिलहेट में और पीट कोल भी ऑब्जर्व किया जाता है, यहाँ मिलता है। ठीक है, तो अब आप सभी जानते हैं कि आप सभी पॉल्यूशन वर्ड से अवेयर हैं, तो गैंगेस और उसकी अन्य ट्रिब्यूटरीज के में जो पॉल्यूशन लेवल बढ़ रहा है उससे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या लॉन्च किया, गंगा एक्शन प्लान, ताकि उसकी ट्रिब्यूटरीज और गंगा को बचाया जा सके पॉल्यूशन से। और गंगा एक्शन जो प्लान लॉन्च किया है इससे गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट स्टेप्स लेती है, स्ट्रिक्ट मतलब कदम उठाती है जिससे कि गंगा में हो रहे प्रदूषण को कम किया जा सके और गंगा को हेल्दी रिवर के फॉर्म में ला सके। ठीक है, क्योंकि यही जो हमारी रिवर्स है, हमारी भरण पोषण, हमारा जो पानी है वो पहुंचा रही है और साथ ही साथ अन्य यूजेस भी कंप्लीट कर रही है। ठीक है, अब हम आते हैं लाइफ ऑफ द पीपल। तो प्लेन्स पर जो लाइफ होती है वो बहुत ही सिंपल और इजियर होती है। अब यहाँ वाटर की अवेलेबिलिटी अच्छी खासी है तो यहाँ पर जो मेजर ऑक्यूपेशन होगा एग्रीकल्चर होगा। अब जहाँ ज्यादा पानी अवेलेबल है वहां पर पैडी जैसी क्रॉप्स उगाई जाएगी, जैसे कि आपकी होगी जिसको आप कहते हैं हिंदी में धान या चावल, तो पैडी कल्टीवेशन है, वीट है, शुगर केन है और वेजिटेबल्स है, पल्सेस है, इनका उत्पादन किया जाएगा और गैंगेटिक प्लेन जो है गंगा ब्रह्मपुत्र इन रीजन में आप देखा जा सकते हैं कि टी की प्लांटेशन और साथ ही साथ आपका जूट का प्लांटेशन भी किया जाता है जो कि एक कैश क्रॉप है। ठीक है, अब इन जगहों पर जो नेटिव्स हैं वो कैटल रियरिंग भी करते हैं और साथ ही साथ सेरिकल्चर भी का को भी इन्वॉल्व करते हैं और सेरिकल्चर में वो सिल्क उत्पन्न करते हैं और कैटल रियरिंग के साथ साथ वो जो वूल्स है उसको भी उत्पादित कर रहे होंगे जिससे कि उनकी लाइवलीहुड आजीविका चलाई जा सके। सो दिस वॉज द एक्सप्लेनेशन वीडियो ऑफ द चैप्टर
द लाइफ इन द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजंस. आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड अबाउट द लाइफ ऑफ द पीपल इन अमेज़न बेसिन एंड द गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन. इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम रिलेटेड टू एनी टॉपिक यू कैन आस्क मी ऑन द गूगल मीट क्लास. हैव अ नाइस स्टूडेंट्स. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.